देखो बंदर बैठा है, हेलो हाय सब्सक्राइब डर है ये क्या? बाइक, अपनी बाइक कैसी लग रही है कमेंट में जरूर करके बताओ। किसकी मुंडी यहाँ पे गिर गई, देखो आप, ऐसा लग रहा आदमी पड़ा हुआ। अब आप देखो मतलब पहाड़ पे आ चुके हैं हम, और जो ये पत्थर दिख रहे हैं ना भैया, काफी ऊंचे ऊंचे दिख रहे हो, अगर ये थोड़े से भी टच हो गए ना केटीएम की तो भैया इसको तोड़ देंगे, तो इसलिए मैं बचा बचा के ले जा रहा हूँ। तो आना तो भैया यहाँ पे पानी होता है मतलब यहाँ यहाँ तक, और जो वाटरफॉल है ना बहुत ही शानदार, ऐसे लग रहा है जैसे गोवा मनाली में आ चुके हैं ऐसा। नहीं यहाँ पे मतलब काफी लोग खड़े हुए देख रहे हैं आपको, और हल्का हल्का झरना है यहाँ पे चल रहा है। ओ भाई अभी तक पानी भर रखा है, अभी देख सकते हो मतलब बहुत ही गहरा है नीचे, आप देख सकते हो ऊपर चलते हैं ब्रिज के ऊपर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन सैनी। तो यार बहुत दिनों के बाद हम जा रहे हैं खोपचे में आज ब्लॉग करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत दिन हो गए भैया, तूफान आ रहा था और हमने सोचा भैया तूफान में नहीं जाते, उड़ जाए क्या पता, भयंकर तूफान आ रहा था। लेकिन हम राजस्थान वाले उसको वेट कर रहे थे कि तूफान आए, और हमने देखा जी चलो भाई खोपचे में जाते हैं। और पहाड़ देखो बारिश आने के बाद में कितने हरे भरे हो चुके हैं, एक नंबर व्यू लग रहा है झरने देखने के लिए। और जो सावित्री माता जी से है वहाँ से मतलब 2 किलोमीटर दूर पे। तो आज 10-11 दिन हो गए हमने हमारी केटीएम को भी नहीं चलाया, अपनी प्यारी जान को, तो बहुत दिन हो रहा है भाई। ये जम देख के एकदम से दिल थोड़ा ठहर जाता है, और भाई के रिएक्शन ज़बरदस्त मिल रहे हैं, और लड़कियाँ भी देख रही है। ओ भाई ये ऊँट कहाँ से आ गया बीच में। तो मेरा प्यारा से थोपड़ा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि लेट हो रहा था, तो अगर लेट हो जाएंगे तो वहाँ पे भैया सुनसान भी है, तो इस चक्कर के अंदर पहले जा रहे हैं। और जो वाटरफॉल है ना बहुत ही शानदार, ऐसा लग रहा है जैसे गोवा मनाली में आ चुके हैं ऐसा वाटर। और आप देख सकते हो ये सामने जो यहाँ का व्यू है ना पूरा देख सकते हो, एक नंबर व्यू है यहाँ पे। जब झरने निकलते हैं ना, तब बारिश होती ना, तब झरने मतलब है ना चारों तरफ से दिखते हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके हैं देखने के लिए, देख सकते हो। लेकिन आज तो भीड़ कम है, जब 2 दिन पहले ना यहाँ पे ख़तरनाक भीड़ थी आप देख सकते हो, और वहाँ पे भी लोग खड़े हैं। अभी गोप्रो में तो दिख नहीं रहा होगा, मैं मोबाइल से दिखाता हूँ आपको अभी। मतलब थोड़ा बहुत झरना आ रहा है, जब बारिश आई थी ना उसके कल परसों तो मतलब इतना खतरनाक झरना था, यहाँ से दिख रहा था मतलब सेम टू सेम। और अब की बार अगर आएगी बारिश तो मैं यहाँ का भी झरना आपको दिखाऊंगा भैया, क्योंकि 1-2 दिन में और ज़्यादा बरसात आएगी तब दिखाऊंगा यहाँ से पूरा झरना। मैं यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग खड़े हुए देख रहे हैं आपको, और हल्का हल्का झरना यहाँ पे चल रहा है। जब बारिश आई नहीं तब तो यहाँ से मतलब पूरा भर चुका था, मतलब ऐसे डर लगने लगा, ये पूरा देखो ऐसे लग रहा था भाई डूब जाएगा। तो अब की बार जैसे बारिश होगी ना तो मैं यहाँ पे आऊँगा और आपको यहाँ का झरना फुल बड़ा वाला दिखाऊँगा। तो अब चलते हैं पुष्कराज की तरफ और वहाँ देखते हैं कि भाई कितना भरा हुआ है। किसकी मुंडी यहाँ पे गिर गई, देखो आप, ऐसा लग रहा आदमी पड़ा हुआ है ना। तब कोई भी बाइक लेके आता था हम देखते थे उसे। ओ भाई अभी तक पानी भर रखा है, अभी देख सकते हो यार यहाँ से पता लग रहा है ना कि ये पानी कितना है। ये देखो आप, अबे यार आप देख सकते हो जब मेरी पिछली वाली वीडियो के अंदर है ना मतलब ये खाली था, और अभी देख सकते हो कितना भरा है, आप देख सकते हो मतलब बहुत ही गहरा है नीचे, आप देख सकते हो ऊपर चलते हैं ब्रिज के ऊपर। तो ना ये पानी देखने के लिए आएगा यार भाई कितना भर चुका है, जब मैं आया था ना यहाँ पे मतलब खाली था, और अभी देख सकते हो मतलब पूरा भर चुका है यार इतना पानी। मतलब देख सकते हो पूरा पुष्कराज भर चुका है, जब पानी आया था ना तब मतलब यहाँ से पूरा ये भर चुका था 2 दिन पहले, और ये जो ब्रिज है ना ये भी भर चुका था। तो ये छोटी सी राइड कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी खोपचे वाली राइड कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।